उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन किया। पूरे 9 दिन के व्रत और पूजा पाठ के साथ उन्होंने नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया और उनके पांव धोकर माला और चुनरी पहनाई। इसके साथ ही उन्होंने कन्याओं को उपहार भी दिए। कन्या पूजन में को उन्होंने नारी सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि ये आयोजन हमें नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कन्याओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में वर्ष में 2 बार नवरात्रि की तिथियां आदिशक्ति माँ भगवती की पूजा और अनुष्ठान करने का पवित्र अवसर प्रदान होता है। भारतीय परंपरा में नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने की उनकी सशक्तिकरण के संकल्प का भी पर्व है। यहाँ पर उनके पूजन का कार्यक्रम और उनके निमित्त सहभोज का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यह एक पवित्र आयोजन है जो नारी सशक्तिकरण और सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब पहले से ही जानते हैं कि नारी का सशक्तिकरण हो, उनकी गरिमा के लिए काम किया जा सके, इसके लिए पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे देश में चलाया है। इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अन्य अभियान और बालक बालिकाओं में भेद ना हो, इसके लिए बालिका के जन्म के साथ एक निश्चित राशि उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे। टीकाकरण के साथ ही निश्चित राशि उपलब्ध कराएंगे। जन्म से लेकर स्नातक तक शिक्षा 15,000 रुपये उपलब्ध कराएंगे। बालिकाओं के साथ भेदभाव जो होता है, आज का कार्यक्रम उनके सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर मंदिर में आई कन्याओं और उनके अभिभावकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए खुशी का अवसर है। योगी आदित्यनाथ महाराज ने उनके पांव धोए, चुनरी पहनाने के साथ उन्हें उपहार भी दिए। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कन्या पूजन में शामिल कन्याओं एवं मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, ¡Gracias!
योगी जी के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा खूब बड़ी हो जाओ, खूब अच्छे से रहो। वी सर्वेषु लक्ष्मी रूपेण संस्कृत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम महाराज जी ने हमारी पूजा किया था और हमें टिफिन बॉटल के साथ चंद्री उड़ाई थी और 110 रुपए दिए थे। कैसा लगा आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग को दसवीं की बहुत बहुत बधाई हो। पिछले साल लक्ष्मी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आप मुख्यमंत्री के हाथ पूजा हुआ है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। चीनी खिलाया, पूरी खिलाया, चूड़ा खिलाया, मानसिक। बेटा आप जो मुख्यमंत्री के हाथों आपको पूजन किया गया है, कैसा लगा है, क्या क्या खिलाया? आज मुख्यमंत्री ने
पाँव धुले, टीका लगाए, छुन्नी उड़ाए, माला पहनाए, दक्षिणा दिए और उपहार भी दिए और बहुत ही अच्छा लगा। और भोजन भी अपने हाथ से खिलाए और भोजन में पूरी, सब्जी, दही, चूड़ा, पेड़ा सब चीज़ था। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा। मित्रों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में वर्ष में दो बार नवरात्रि की तिथियां आदिशक्ति माँ भगवती की पूजा करने, उनके अनुष्ठान करने का एक पवित्र अवसर प्रदान करता है। भारतीय परंपरा में नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके सशक्तिकरण के संकल्प का भी एक पर्व है। अभी यहाँ पर कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम और इस निमित्त उनके लिए सहभोज का एक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यह एक पवित्र आयोजन है जो नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब इस बारे में पहले से ही जानते हैं कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, उनकी गरिमा और उनके सम्मान के लिए कार्य किया जा सके, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जहां पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर चला है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, वही साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन भी एक प्रकार से स्वस्थ भारत के साथ ही नारी गरिमा का प्रतीक भी बना है। 10 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में शौचालय उपलब्ध करवाना, 8 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही देश के अंदर लिंगानुपात को संतुलित करने की दिशा में जो बड़ी भूमिका इन सभी अभियानों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, ये जगत जननी माँ भगवती के प्रति श्रद्धा और सम्मान का ही भाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी विगत 2.5 वर्ष के दौरान कोई बच्चा कोई बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे, इसके लिए स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जहां एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ विगत 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 50 लाख से अधिक बच्चों के अधिक नामांकन हुए हैं। इस समय 1.8 करोड़ बच्चों का नामांकन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कराने के साथ ही प्रदेश सरकार उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, 2-2 यूनिफॉर्म, उनके लिए बैग, उनके लिए बुक्स, उनके लिए शूज, उनके लिए सॉक्स, उनके लिए स्वेटर आदि की व्यवस्था भी करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। और इसके लिए एक प्रयास किया गया है कि
जन सहयोग और जन सहभागिता के माध्यम से हम बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को कायाकल्प योजना के माध्यम से, जहां उन विद्यालयों के सुंदरीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य को संपन्न कर सकें, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,58,000 विद्यालयों में से 91,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्मार्ट क्लास के साथ ही अन्य बेहतर सुविधाएं उन बच्चों के लिए, उन बालिकाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया गया है। किशोरी बालिकाओं के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से, आशा वर्कर्स के माध्यम से भी विशेष अभियान बालिका कल्याण के लिए प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। तो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी हमारी सरकार ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए राशि, पहले 35,000 थी, उसे 51,000 करने के साथ ही एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। हम लोग इसी महीने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान हो, या फिर इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं, इन सब के साथ जोड़ते हुए बालक और बालिकाओं में भेद न हो, उनके सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, इन सब के बारे में बेहतर प्रयास हो सके, इसके लिए भी हमारी सरकार इसी महीने बालिका के जन्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ ही एक निश्चित राशि हम उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। एक वर्ष के होने पर सभी प्रकार की टीकाकरण से आच्छादन के साथ ही उस परिवार को फिर से एक निश्चित राशि उपलब्ध होगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी, पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, नौवीं क्लास में, या फिर स्नातक के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के साथ ही हम एक पैकेज उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे। जन्म से लेकर स्नातक तक प्रत्येक बालिका के लिए 15,000 रुपये की यह राशि कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से हम बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार हमारी प्रारंभ करने जा रही है। एक अद्भुत कार्यक्रम होगा, जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, मुझे लगता है कि आज का यह आयोजन हम सबको उनके प्रति सम्मान के साथ साथ उनके संरक्षण और उनके सशक्तिकरण की दिशा में नए कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं इस अवसर पर मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ, और केंद्र और प्रदेश सरकार नारी गरिमा, बालिका सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जिस प्रकार के आयोजन कर रही है, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में आज भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक प्रमुख आयोजन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन के साथ ही उन सभी को यहाँ पर प्रसाद आदि की व्यवस्था आज की गई थी, और उनको यहाँ पर सम्मान भी दिया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ।